नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस वेडनेसडे के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारी मदद करने के लिए, हमारी सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन्स पे कोलकाता से मार्केट एक्सपर्ट और ट्रेडर अमित सेठ साहब रेडी नजर आएंगे। सेठ साहब, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूँ आपके पास। पहले तरह के तरीके प्लीज दिखा दीजिए, हम तक रीच दिखा रहे हैं। एक्स का आईडी तो पीछे मेरे चल ही रहा है, ये एक्स का आईडी हो गया। इंस्टाग्राम के आजकल ज़्यादा जल में है, उसका आईडी स्क्रीन पर आ गया है। और चाहे तो थ्रेड के जो पिकअप ही नहीं कर पाया एक्चुअली, तो पता नहीं थ्रेड का आईडी किसी काम आता है कि नहीं आता। मैंने कभी वहाँ पर क्वेरी आती हुई देखी नहीं है या मिस करी हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा यूज़ करना भी नहीं आता, फ्रेंडली है नहीं बहुत। पर ठीक है, अगर आप वो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो थ्रेड का आईडी भी आपकी स्क्रीन पर। और साथ साथ सीएनबीसी आवाज का जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी नजर है। तो आपको करना ये है कि आप अपनी क्वेरीज भेजिए, जिस प्लेटफॉर्म पर भेज रहे हैं सही आईडी से भेज रहे हैं तो नाम आ जाएगा हमारे पास, तो हमें पता चल जाएगा महिला दर्शक है। नाम आईडी का कंफ्यूजिंग है या आप किसी और के अकाउंट से कर रहे हैं घर पे, तो अपना नाम उस क्वेरी के साथ ज़रूर मेंशन करिएगा, क्योंकि हमारा एक ही काम है, जो क्वेरीज आती हैं उसमें महिलाओं की क्वेरीज छान के अलग करी जाए, उनमें से जो महिलाएं लाइव जुड़ सकती हैं, क्योंकि ये शो का प्रमाइस ही है कि हम महिलाओं को लाइव जोड़ते हैं। कई आप में से कई लोग नहीं जुड़ना चाहते, फ़ोन पे पूछना चाहते हैं, वो है नहीं, इसलिए हम लोग लेते नहीं आमतौर पर। जो लाइव जुड़ना चाहती हैं उनके साथ हमारी टीम्स तालमेल बिठा लेते हैं, जिस दिन अवेलेबिलिटी होती है स्लॉट्स चैनल पे आप लोग की अवेलेबिलिटी, उस लिहाज से फिर डिसाइड कर लिया जाता है, तब आप और हम लोग बातचीत करते हैं चैनल पे। तो आपको रीच आउट करना है, वो पहला बेसिक स्टेप। मार्केट्स बढ़िया है भाई, स्क्रीन्स पर आएंगे। 90 अंक की मजबूती के साथ निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ 460 के आसपास के जोन्स हैं। शुरुआत भी ठीक ठाक हुई थी, वो डिसेंट से ग्लोबल संकेत थे। हमने आज दिन भर 22400 और उसके ऊपर की ट्रैक्टरी देखी है ना। आज दिन भर का ट्रेड वैसे ही दिखेगा आपको, 22400 आज का मेरे ख्याल से वो इंट्राडे लो था, हाँ 399 समथिंग 400 पकड़ लिया मैंने, 400 से 475 के बीच में झूलता हुआ और इस समय हायर एंड की तरफ। और इंट्राडे में भी अगर हल्का कहीं ठंडा पड़ा भी तो वापस रिकवरी कर गया, तो दिन के हाईस के आसपास ही भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं। और कैलकुलेशन कहता है कि फ्राइडे के इंट्राडे रिकवरी से काउंट करूँ तो फ्राइडे से लेकर ये चौथा स्ट्रेट सेशन हो गया बैक टू बैक मजबूती का। हाँ, ये ज़रूर है कि अब जहाँ खड़े हैं उसके आसपास एक बड़ा पुश की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 500 और 600 पे बहुत सिग्निफिकेंट कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं और कल खड़ी है सामने मंथली एक्सपायरी। सेठ साहब, वैसे मैं बेट कर रहे हो क्या तेजी की तरफ, एक्सपायरी अच्छे हायर लेवल्स पे हो सकती है, या एंटिसिपेट कर रहे हो या ऐसा नहीं कर रहे हो? जी गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, मार्केट देखिए लग रहा है कि अभी तक तो सो फार सो गुड, काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है। आज बैंक निफ्टी भी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है 10 EMA के ऊपर, थोड़ा सा स्लो मूवमेंट है कल और आज में, बट दैट वाज एक्सपेक्टेड क्योंकि हमने नीचे से अच्छी रिकवरी देखी। एज ऑफ नाउ देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस, लेकिन मुझे लगता है कि बात सही है, 22500 22600 में कॉल राइटर्स हैं, बट जिस हिसाब से मार्केट प्लेस है मुझे लगता है एक स्लो ग्राइंड मार्केट में हमें विजिबल है, जो आस्ते आस्ते 22500 22520 के ऊपर हमें लेके जाएगा। वहां पे अगर सस्टेन होता है या हमें क्लोजिंग बेसिस में आज उसके ऊपर अगर हम स्पॉट में क्लोज करते हैं तो फिर मैं कल आशा करता हूँ कि 22600 के लेवल्स पॉसिबल है। भाई साहब, तो 500 ही नहीं, हम 600 के उस थ्रेशोल्ड को की तरफ बढ़ सकते हैं इन ऑल लाइकलीहुड एक्सपायरी के समय, तो मतलब दम कम है। तो सेठ साहब, इन लेवल्स पे खरीदें? जी आशीष जी, अगर किसी को लेना है तो आज के लो का स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिए बोलो या थोड़ा सा चार है, तो आज के लो को जी आज का लो जो लगभग 22400 है स्पॉट में, तो 22380 के स्टॉप के साथ एक लेना चाहिए, 22500 60-70 पॉइंट के स्विंग के लिए यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। इंटरेस्टिंग। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, जो बेसिक प्रमाइस है शो का। आज हमें अहमदनगर महाराष्ट्र, बंगलुरु और उदयपुर राजस्थान जाना है, सब आपको स्क्रीन पर रेडी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अहमदनगर से मुस्कुराती हुई कल्पना जैन मैम नजर आएंगी। कल्पना मैम नमस्ते। कब? नमस्ते मैम, कितना टाइम हो गया शेयर बाजार में? कल्पना मैम कितने समय से एक्टिव हो? 2010-11 से चालू किया है सर।
अरे बा, तो ऑलमोस्ट 14-15 साल की तरफ बढ़ चुके हो. कैसी रही है 1.5 दशक की ऑलमोस्ट ये जर्नी? अच्छी रही सर, जैसे आप लोगों के शो देखते, आपका चैनल पूरा देखती हूँ, उसमें से सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है सर. चलिए ये तो बहुत अच्छी खबर है, जो एफर्ट चल रहे हैं अमित सेठ साहब लोग जो मदद कर रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है. कल्पना मैम, स्टॉक कैसे डिसाइड करते हो आप? खुद चूज कर रहे हो, कोई गाइड कर रहा है, अपनी खुद की रिसर्च कर रहे हो, कैसे होता है? थोड़ा है सर, प्रोग्राम देखती हूँ, शाम में भी प्रोग्राम देखती हूँ आप लोगों का, CNBC से, आप लोगों के गाइडलाइन से थोड़ा चलती हूँ, थोड़ा न्यूज पेपर पढ़ती हूँ. फिर अपना कॉल ले लेते हो क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना, है ना ऐसा? हाँ सर. Yes, yes. और 1.5 साल 1.5 दशक से अच्छा कर रहे हो, तो मतलब फिर जो कर रहे हो आप सही है. कल्पना मैम, पहला सवाल कौन सा आज के लिए? आज के सर SBI मेरे पास, शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया, उसमें 200. यस सर. क्या करना चाहिए सर अभी? मिस्टर जैन खड़े हैं साथ में क्या? SCI के 200 शेयर 222 पे मौजूदा भाव के आसपास, या अभी हाल फिलहाल खरीदे थे क्या और ट्रेडिंग के मन से लिए? लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिए थे सर. लॉन्ग टर्म के हिसाब से. अमित सेठ साहब, कैसा लग रहा है मौजूदा भाव से ये शिपिंग कॉर्पोरेशन लंबी अवधि के हिसाब के लिए? है अट्रैक्टिव क्या? बाजार ऊपर है, ये तो स्टॉक ऑफ हाइज ही ट्रेड कर रहा है. जी आशीष जी, बिल्कुल सही कहा, स्टॉक ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है. एक्चुअली इसने अपना एक हाई फेब मंथ में बना दिया था लगभग 280 के आसपास, तब से लेके अब तक स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में है, और कंसोलिडेशन ही अच्छा हो रहा है, कंसोलिडेशन खराब नहीं कहूंगा. स्टॉक अपने क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है. बस यही बात है कि मोमेंटम यहाँ पे कहाँ से आता है, बट मुझे लगता है कि इट्स वेरी क्लोज टू कंप्लीशन ऑफ कंसोलिडेशन, और थोड़े दिनों में हम यहाँ पे मूव देखेंगे. तो 208 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहना चाहिए. ऑलमोस्ट 3 कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न्स विजिबल हैं यहाँ पे. आशा करता हूँ कि नेक्स्ट फ्यू डेज में यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस के साथ मूव आना चाहिए. तो 210 के स्टॉप लॉस के साथ मैम अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं भाई. 210 का स्टॉप लॉस लगाइए और पोजिशन पे खड़े रहिए, डटे रहिए, अच्छी तेजी आएगी शायद. बंगलुरु से पूनम शर्मा जी. पूनम मैम, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सर. पूनम मैम, क्या करते हो बेंगलुरु में आप? सर अभी तो हाउसवाइफ हूँ, पहले एज अ टीचर जॉब करती थी सर. बेंगलुरु में ही? हाँ जी सर. ओके. और पूनम मैम, आपका स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है? आप ट्रेडिंग करते हो या लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो? सर लंबी अवधि के लिए लेती हूँ मैं, जो आपके चैनल में स्टॉक्स दिखाते हैं उनको मैं देखती हूँ, उस पर थोड़ी स्टडी करती हूँ, फिर थोड़े दिन उसको मॉनिटर करती हूँ, फिर हस्बैंड को बताती हूँ, फिर हम दोनों डिस्कस करके उस पे मॉनिटर करके फिर स्टॉक खरीदते हैं सर. अरे अच्छा खासा ड्यू डिलीजेंस है, मतलब लंबा प्रोसेस है. हाँ सर. तो चैनल पे तो 90% तो ट्रेडिंग कॉल आते हैं, जो लंबी अवधि के देता है उन्हीं के सिलेक्ट करते हो आप, ऐसा? नहीं सर, बीच मिड वाले भी हैं हमारे पास. अच्छा. लंबी अवधि पे मैं ज्यादा फोकस करते हो. ओके. पूनम मैम, पहला सवाल. हाँ जी सर. सर मेरे पास इन्फोसिस के 45 शेयर हैं, जो मैंने 1441 पर खरीदे थे, तो मुझे थोड़े और शेयर लेने हैं, तो किस लेवल पे बाय करूं? हाँ, और भरने हैं. चलिए हाँ, अच्छा सवाल है, सब पूछते हैं, कंसर्न रहते हैं, ये गिरावट में कह रही है और भर लिया जाए. खैर पहली खरीद भी हाल फिलहाल की है, तो अभी इतनी जल्दी क्यों और भरना है? सर पहले खरीदे थे, बट अभी उम्मीद हो रही है कि ये थोड़े और आगे बढ़ेंगे, तो सोच रही हूँ कि थोड़े और खरीद लूँ इसको. और ये उम्मीद क्यों हो रही है? कुछ बेंगलुरु में आपने सुना क्या इन्फोसिस के कैंपस का? सर कैंपस का तो सुना है क्या? थोड़े से सर रिजल्ट थोड़े से इसके कम आए हैं, बट इन्फोसिस जैसे कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है IT की, तो उम्मीद है कि आगे वो ग्रो ही करेगी सर, तो इसीलिए लग रहा है कि हम शेयर लेंगे तो फायदा नहीं होगा. बात सही है, बात से बाजार ऐसे ही बैठ करता है, खराब नतीजों पे भी खरीदारी इसलिए आती है स्टॉक पे कि उम्मीद रहती है कि एक एक दो क्वार्टर का पेन है, वापस हमेशा की तरह बाउंस बैक करेगी, अच्छे दिन दिखाएगी. यस अमित जी, ऐसा होगा क्या? और इन लेवल पे और भर लूं क्या इन्फोसिस? आशीष जी, अगर इन्फोसिस का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक अच्छा खासा फॉल आया है, लेकिन अब लगता है कि सेलिंग यहाँ पे एग्जॉस्टेड है. वीकली चार्ट्स में देखें तो 1350-1380 एक स्ट्रॉन्ग लेवल इसका है. स्टॉक 2-3 दिनों से होल्ड कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे कंसोलिडेशन जरूर होगा, लेकिन लगता है कि स्टॉक अब एक यहाँ पे बॉटम बना रहा है.
तो मैम आपको 1380 1400 कोई भी मार्केट वॉलिटिलिटी में डिप मिले तो आप थोड़ा सा जरूर ऐड कर सकते हैं। 1350 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत जल्दी ये बढ़ेगा, लेकिन कंसोलिडेट करके ये स्टॉक आस्ते आस्ते ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट से वीकली चार्ट को देखते हैं, इट इज अ गुड लेवल टू बाय। सस्ता है भाई और हाँ, स्ट्रीट का भरोसा बना रहता है, इसलिए खराब नतीजों पे भी जब दुनिया भर की ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आती हैं वो बाय का ही टारगेट दे रही होती है लंबी अवधि के लिए। होपफुली पेन से उभरेगा, अच्छे लेवल्स हैं एक्यूमुलेट करने के लिए। उदयपुर से स्वाति खेतान जी। स्वाति मैम नमस्ते। स्वाति मैम कब से शिवराज से जुड़े हो और आपका पहला सवाल अमित जी के लिए कौन सा? सर मैं शेयर बाजार से 3 साल से 2021 में जुड़ी थी, मतलब अराउंड कोविड के बाद से। और ये 3 साल का सफर कैसा रहा जी? सर कौन गाइड कर रहा है स्टॉक के लिए? आप खुद अपनी स्टडी कर रहे हो? जी सर खुद से। अरे और कोई फैमिली फ्रेंड भी सजेस्ट करता है। फ्रेंड भी सजेस्ट कर रहे हैं और पैसा आ रहा है, मतलब कमाई प्रॉफिट में है पोजीशंस। ऑडियो का इशू है, आप तो एक काम करो क्वेश्चन दाग दो जब तक ऑडियो ठीक ठाक है। मैम पहला सवाल सर एनएचपीसी के 500 शेयर है मेरे पास 96 पे। एनएचपीसी 500 शेयर 96 की खरीद। स्वाति मैम ये लंबी अवधि के लिहाज से लिया हुआ है या कुछ ट्रेडिंग वेडिंग का मन था, छोटी अवधि के लिए था? सर मिड टर्म। मिड टर्म मतलब क्या हुआ सर? 6 से 12 महीने। ठीक, 6 से 12 महीने का टाइम होराइजन एनएचपीसी। अमित सेठ साहब ए 6 से 12 महीने में अट्रैक्टिव लग रहा है, लुक्रेटिव है, चलेगा नहीं चलेगा? और अगर है तो स्टॉप लॉस कहाँ आके रखूं? 5 रुपए तो मेरी खरीद से वैसे नीचे आ गया है। आशीष जी यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि स्ट्रक्चर अट्रैक्टिव है, लाइक ऑल द स्टॉक्स इस कैटेगरी के पावर के। फेब में इसने एक हाई बनाया था 111 का, पिछले 3-4 महीने से एक बड़ा ऑर्डरली कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न विजिबल है, काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, काफी कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन है, तो मुझे लगता है इसमें बने रहना चाहिए। दिस कंसोलिडेशन इज ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीशन। यहाँ पे कभी भी हम एक अच्छा सा मूव देखेंगे तो एक ठीक है, एक लॉस लग रहा है लेकिन 86 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। मुझे लगता है 111 के जो इसके रीसेंट लेवल्स है वहां तक स्टॉक एक बार जाना चाहिए। एक क्वेरी और लेते हैं क्विक। कल्पना मैम अपना अगला सवाल कौन सा है? सर मेरा आर पावर है मेरे पास। रिलायंस पावर। हाँ, 9 की खरीदी है सर, 9 रुपीज की। और ये क्यों लिया था हस्बैंड ने? हस्बैंड ने नहीं लिया सर। हस्बैंड और वाइफ का इस बारे में जमता नहीं है सर। 9 रुपए में लिया हुआ भाई, 27 कितने में चल रहा है? 25-30 के बीच में चल रहा है, 27 है ना? एक बार दिखाइए जरा भाव। अरे बाप रे बाप, 9-3, बाप रे बाप, बढ़िया रिटर्न कमा रहे हैं। हमें चेट साहब क्या करना चाहिए भाई? 9 रुपए में खरीदा था, 27 पे खड़ा है। जी आशीष जी अगर रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ फंडामेंटल फैक्टर्स टेक्निकल से ज्यादा वे करते हैं, काफी न्यूज बेस्ड स्टॉक है, लेकिन फिर भी अगर हम चार्ट्स देखें तो 25 का इसका एक सपोर्ट जोन है, तो जब तक 25 के लेवल होल्ड है आप बने रहिए, आप अच्छे खासे गेन में। 25 के अगर नीचे जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 25 के स्तर उस पे लगा लीजिए स्टॉप लॉस, उसके ऊपर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इन केस उसके नीचे आना शुरू हुआ तो शायद प्रॉफिट टेकिंग दबाव बढ़ेगा, अपन 25 पे फिर एग्जिट कर जाएंगे। अरे मोमेंटम ऊपर ले जा रहा है तो 25 का स्टॉप लॉस सही है अपने पास, मोमेंटम को चेस करने के लिए सही आइडिया है। पूनम मैम अगला सवाल इंफोसिस के बाद। सर मेरे पास पिडिलाइट के 20 शेयर्स हैं। हाँ। और जो मैंने 2906 पे खरीदे थे, अब सर जब से ये वार की जो इंफॉर्मेशन आई है तो थोड़ा एडवाइस चाहिए कि क्या करें, इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं तो फ्यूचर क्या होगा सर इस शेयर का? अच्छी चीज खरीदी है और वॉर से पिडलाइट को क्या हो जाएगा? कच्चा तेल थोड़ा बहुत उठता, वो एक सरदर्द बनता शायद पिडलाइट के लिए, अदरवाइज डोमेस्टिक मार्केट की स्टोरी है और कच्चे तेल में कुछ हुआ ही नहीं, वॉर भी ठंडा पड़ गया है तो फंडामेंटल, अगर आपने कुछ चीज अच्छी चुनी है तो थोड़ा सा नॉइस क्लटर को कट करने की जरूरत होगी, अदरवाइज तो घबराते ही रहेगा आदमी। पर अमित सेठ साहब ज्यादा बेहतर जवाब देंगे भाई। पिडलाइट इंडस्ट्रीज, अमित जी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है क्या?
जी वीकली स्ट्रक्चर तो इसका बहुत पॉजिटिव है, थोड़ा सा पुलबैक जरूर आया है लेकिन वो वीकली सपोर्ट्स पे ही है, तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है मैम, यहाँ पे बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपका नजरिया लंबा है, तो 2,250 के स्टॉप लॉस जो कि वीकली सपोर्ट लेवल है, बना उस लेवल के स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, आशा करता हूँ कि यहाँ पे ऊपर के लेवल्स दिखेंगे। स्वाति मैम, अगला सवाल हमारा। सर मेरे पास DCW के 350 शेयर्स है 60 की खरीद पे। DCW, और ये 60 पे खरीदे हुए, 57-58 पे शायद चल रहे हैं, दिखाइएगा। जी सर जी हाँ, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए लिया है या मीडियम, ये 6 से 12 वाला मामला है ये भी? सर मीडियम। सब कुछ 6 से 12। और 6 से 12 हाँ लेने के सर। लिए क्यों डिसाइड करते हो, चार्ट स्टडी करते हो, क्या देखते हो आप? सर मैं प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अपना सौदा करता हूँ। मतलब घुस गए जब मुनाफा बढ़िया हो जाए निकल आएंगे, जी और सर। घाटा हुआ तो बैठे रहेंगे, कभी ना कभी तो मुनाफे में आएगा, ऐसा? सर एक्यूमुलेट। अच्छा भाई, वो सब अमित जी जवाब देंगे। अमित जी, DCW 2-3 रुपए खरीद से नीचे चल रहा है, 6-12 महीने का मन था लेने का, रखने का। जी इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हैपजेड है, चार्ट स्ट्रक्चर इतना कंस्ट्रक्टिव नहीं है, और वॉलेटिलिटी स्टॉक में बहुत ज्यादा है, ऊपर 68 नीचे 42 के प्राइसेस बनाए हैं, और फिलहाल अपने क्रूशल मूविंग एवरेजेस के ऊपर जरूर ट्रेड कर रहा है, लेकिन मैम यहाँ पे मोमेंटम क्लियरली मिसिंग है, थोड़ा सा ऊपर आए तो मेरे ख्याल से आपके कॉस्ट के आसपास है, तो निकलने की सलाह है। निकलने वाला स्टॉक है, भाव पे आए निकल जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा अमित जी, वो आपसे मेरे ख्याल से टीम ने रिक्वेस्ट करी होगी, इस हफ्ते शुरू करा था जी कि यार सर। एक बढ़िया सा ब्रॉड लार्ज कैप, एक ब्रॉडर मार्केट का पेक, आपका इस समय का सबसे प्रेफर्ड आइडिया स्टॉक, बड़ा स्टॉक, ब्रॉडर मार्केट का स्टॉक, मिड कैप, स्मॉल कैप, यूनिवर्स से कोई भी जो पसंद आ रहे हैं। आशीष जी, लार्ज कैप्स में मैंने फ्रंट लाइन एफएनओ स्टॉक्स में मुझे PSU सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है, PSU बैंक्स, यहाँ पे मुझे लगता है ट्रैक्शन आएगा। आज के दिन में जरूर एक यहाँ पे एक पॉज देख रहे हैं, लेकिन अच्छे लेवल्स हैं। कैनरा बैंक में हमने 2 से 3 दिन पहले एक अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम्स देखे, लगभग 599 का स्तर है, मुझे लगता है यहाँ 640 तक के टारगेट्स आएंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 580 का, थोड़ा सा शांत है तो हमें एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है, तो इसे अक्यूमुलेट करें 595 से 600 के जोन्स में। और ब्रॉडर मार्केट से आशीष जी, मुझे BSE का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है, रीजन इज कि कल इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आया था, और जैसे कि होता है कि एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट के बाद अगले दिन हल्का फुल्का एक पुल बैक आता है, लो वॉल्यूम पुल बैक आता है, तो स्टॉक ये स्टॉक भी हमें कल के ब्रेकआउट प्राइस से 3% नीचे मिल रहा, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ फेवरेबल हो रहा है, इसे अक्यूमुलेट करें 3,050 से 3,100 के लेवल्स में, थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करें, स्टॉप लॉस लगाएं 2,950 का, और मेरे 2 से 3 हफ्ते के टारगेट्स यहाँ पे 3,600 के हैं BSE लिमिटेड में। 3,100 का लक्ष्य, आज सुबह भी 3,500 की चर्चा हो रही थी, सब बुलिश हैं भाई BSE को लेकर। बढ़िया पिक्स, एक तो कैनरा बैंक PSU स्पेस में, PSU बैंकिंग स्पेस में, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड का काउंटर, ये है अमित सेठ साहब के बहुत बढ़िया से आइडियाज इस समय तेजी के कॉल्स। चलिए इस नोट पर कल्पना मैम, ए डॉक्टर साहब, ये जो आप पिक्स दिलवा रहे हो इसका कुछ ब्रांडिंग वैंडिंग भी तो करो, ऐसा कुछ साज SBS स्टॉक पिक्स या कुछ बनवाओ यार, बढ़िया सी प्लेट डॉक्टर साहब, कल से कुछ दिखनी चाहिए यार। चलिए कल्पना मैम, पूनम मैम, स्वाति जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अमित जी ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। ब्रेक ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, ये टिकट टीम चलाई रही थी एडवांस डिक्लाइन, डॉक्टर साहब आप भी दिखाइए ऊपर। आज कल तो खैर इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा था, आज भी मोटा मोटी उसी तरह से कंसोलिडेशन समझिए, क्योंकि वो मोटा मोटी अब तक का रेंज जो है मेरे ख्याल से 70-75 पॉइंट की है, क्योंकि 400 के लोस, 475 के हाईस, 75 पॉइंट की रेंज में, तो एक आज फिर कंसोलिडेशन का दिन है, पर बाजार की इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रही है वो एडवांस डिक्लाइन, वो ब्रेथ जो कल भी स्ट्रांग थी जब कंसोलिडेट कर रहे थे, और आज भी जब सीमित दायरे में, आज भी ब्रेथ बढ़िया स्ट्रांग है एडवांसेस के फेवर में। ऐसे में इंटरेस्टिंग रहेगा आज फिर मिड कैप पंथ ब्रेक के उस पर सुमित के साथ, देखिएगा आप, आजकल सुमित यहाँ दिखते नहीं है, आप पूछिएगा आप लोग, सुमित सुमित है क्या, बैठे हुए क्या, तैयार हो रहे हैं, सुमित रेडी हो रहे हैं आप लोगों के लिए, कुछ बड़े बड़े स्टॉक्स हैं इंटरेस्टिंग, तो शायद ब्रेक के उस पार उनके साथ जुड़िएगा, और अपन लोग कल मुलाकात करेंगे वापस सास बहु और सेंसेक्स में 12:27 को, और कल अपन न्यूज रूम से करेंगे। नमस्कार।